हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दाइनों पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MHI 09 का लेसन 13 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर में हम बात करेंगे क्रांतिकारी परिवर्तनों के बारे में। दोस्तों, ये लेसन इंपॉर्टेंट है और इस लेसन सबसे एग्जाम में क्वेश्चन भी बनकर आता है, तो चलिए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में समझते हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस देश की आज़ादी के लिए एक लंबा संघर्ष चला, एक लंबा इतिहास है, बहुत सारे लोगों ने अपने जान का बलिदान दिया जिसके बाद ये देश आज़ाद हुआ। कई बार जब हम बुक्स में पढ़ते हैं तो एक व्यक्ति या एक समुदाय के पीछे में या एक ग्रुप के पीछे में हमारा जो देश का इतिहास है, आज़ादी का जो संघर्ष है, वो छुप जाता है। आपको हर एक व्यक्ति का जो योगदान है, हर एक भारतीय का जो योगदान है, वो कई बार नहीं दिखता है। तो जब आप इस बुक को पढ़ोगे, में चाहे नाइन का जो बुक है, आपको बहुत सारी चीज़ें नई जानकारी देने वाली है बुक, और बहुत इंपॉर्टेंट बुक रहने वाला है आपके लिए। क्योंकि एक भारतीय होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि आपका देश कोई एक दिन में आज़ाद नहीं हुआ। ठीक है, आज जिस कंडीशन में आप जीते हो, आज से आपके 70-75 साल पहले किस तरह की कंडीशन थी, वो आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं, डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ क्रांतिकारी प्रवृत्तियों के बारे में। तो भारत के जो युवाएं थे, उसके अंदर में क्रांतिकारी प्रवृत्तियों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ क्या होती है, तो मतलब एक तरह का माइंड सेट, एक तरह का प्रवाह जो हमारे देश के लिए क्रांतिकारी रेवोल्यूशन का काम करते हैं कि हाँ, हमें जीतना है, हमें लड़ना है, हमें क्रांति करना है देश के लिए, हम जीतेंगे। और जो एक विचारधारा होता है ना, वो राष्ट्रवाद की विचारधारा होती है, जहाँ पे हम अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं कि हमारा देश सबसे ऊपर है, हमारा देश सबसे सर्वोच्च है, ये मानकर चलते हैं। और जो भारत के युवा थे, उसके अंदर में इस तरह की प्रवृत्तियां आ चुकी थी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर में बहुत बड़ा योगदान के तौर पर देखा जा सकता है। भारत में क्रांतिकारी विचारधारा का जो जन्म हुआ, अगर आप देखोगे उसको, तो 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के आरंभ में इसका जन्म माना जाता है कि इस तरह का जो विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधारा का जन्म हुआ। ऐसे आप 1857 को जब आप स्टडी करते हो, तो 1857 से ही देखा जाता है कि पहली बार स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ, और अब वहीं से कहीं ना कहीं क्रांतिकारी विचारधारा जन्म ले चुकी थी। और 1857 एक आरंभ था कि किस तरीके से हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और अंग्रेजों की नींव हिला सकते हैं, वो भारतीयों को समझ में आ चुका था। 1857 से पहले तक भारतीय जो भी लोग थे, वो एक्सेप्ट कर चुके थे कि हम इनके गुलाम हैं और वी कांट डू इट एनीथिंग, ऐसा करके वो मान चुके थे, उनका माइंडसेट बन चुका था। पर जब 1857 का विद्रोह हुआ, हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, वहां से लोगों की जो सोच थी ना, प्रवृत्ति थी ना, सोचने की जो आदत थी, वो चेंज हुई, उसकी प्रवाह चेंज हुई, और उसके बाद लोगों के अंदर में क्रांतिकारी विचारधारा का आगमन देखा जाता है। तो 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के आरंभ में क्रांतिकारी विचारधारा का जन्म होता है भारत के अंदर। युवाओं में क्रांतिकारी विचारधारा देखोगे तो अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के कारकों और प्रवाह के कारण हुआ। जो भी घटना घट रही थी राष्ट्र के अंदर में, भारत के अंदर में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी उसके कारण था, इम्पैक्ट था, उसके बेसिस पे भारत के युवाओं के अंदर में क्रांतिकारी विचारधारा पनप रही थी, विकसित हो रही थी। भारत के क्रांतिकारी आंदोलन में उग्रवाद के साथ साथ, मतलब जो उग्रवाद था ना, मतलब एकदम आक्रोश कि हाँ, हम ना मर जाएंगे, जी जाएंगे, एकदम कुछ भी कर लेंगे, कफन बांध कर उतर चुके हैं, इस तरह की जो विचारधारा था ना उग्रवाद का, वो बहुत तेजी से फैल रहा था और लोगों के अंदर में एकदम जा रहा था। जो ऐसा नहीं था कि देखो एक तबके में जा रहा है, वो हर एक युवा के लिए जो भारत के प्रति जिसका एक संवेदना होती है, इसके अंदर में माइंड सेट होता है कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना है, एक राष्ट्रवाद की विचारधारा होती है, उस तरीके से वो फैलता जा रहा था पूरे में। सभी क्रांतिकारियों का जो मुख्य उद्देश्य था, एकमात्र उद्देश्य और मुख्य उद्देश्य था कि विदेशी शासन से मुक्त कराना, भारत को स्वशासन प्रदान करना। स्वशासन मतलब क्या, अपना शासन हो, किसी के अंदर रहकर नहीं काम करना भैया, गुलामी का जिंदगी नहीं जीना, अपना शासन हो, इसके लिए वो कार्य कर रहे थे। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे मैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी व्यूवर्स से, जो भी हमारे दैनिक का परिवार है, उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे दैनिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दैनिक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर आपको एमए हिस्ट्री से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलने वाली हैं, और भी दूसरे कॉलेजेस के वीडियो भी हम धीरे धीरे अपडेट करने वाले हैं, उनकी वीडियोस भी लेकर आने वाले हैं। तो जो भी आपको वीडियोस चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, किसी पर्टिकुलर सिलेबस पे, उसकी भी हम वीडियो लाने की तैयारी कर रहे हैं। तो दैनिक को जरूर सब्सक्राइब करें और अभी और हमारे दैनिक का परिवार का हिस्सा बने। हमारा कुछ गोल है, अभी हमारे जो टोटल सब्सक्राइबर है वो 60,000 के करीब में हो चुके हैं, हम चाहते हैं कि इसको जल्दी जल्दी 1,00,000 के करीब में पहुंचाएं, और हमारा जो दैनिक का परिवार है 60,000 से 1,00,000 तक ले जाएं। तो और ये जो चीजें हैं ना, 1,00,000 तक ले जाने का, आपके सहयोग के बिना तो होने वाला नहीं है, आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो जो भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, जो भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, अगर आपको हमारी वीडियो वैल्यूबल लगती है, आपके लिए कहीं ना कहीं यूजफुल है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और हमारे दैनिक परिवार का हिस्सा बनिए।
और इस परिवार को और बड़ा कीजिए और बड़ा कीजिए। यहाँ पे द इनअप को सब्सक्राइब करना है, यहाँ पे आपको एमए हिस्ट्री से रिलेटेड सारी वीडियो मिलेंगी और भी जो आपके कॉलेज से रिलेटेड वीडियोज हैं वो भी आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे मिलने वाली है। जो भी आपकी डिमांड होगी उसके हिसाब से हम यहाँ पे प्लेलिस्ट को अपडेट करने वाले हैं। नव इन्फो पे इग्नू से रिलेटेड सारी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलेंगी, किस तरह से एग्जाम होना है, क्या पैटर्न रहना है, किस तरह से असाइनमेंट बनना है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। अगर आपको एमए हिस्ट्री का नोट्स चाहिए तो डायरेक्टली आप गूगल ब्लॉगर पे जा सकते हो या फिर क्वेरा पे जा सकते हो। गूगल ब्लॉगर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली जाकर आप एमए हिस्ट्री के नोट्स ले सकते हो। इस वीडियो का भी नोट्स जो है आपको डायरेक्ट गूगल ब्लॉगर पे मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं वीडियो के अंदर में। सबसे पहले मैं बात करूँ, अब हमने समझ लिया कि किस तरह से ना लोगों के अंदर में जो युवा थे उसके अंदर में एक क्रांतिकारी विचारधारा आ गई और उनका उद्देश्य क्या था ये समझ गया। अब पृष्ठभूमि क्या है, किस तरीके से चीजें पनपी इसके बारे में देखते हैं। देखो 1885 के अंदर में देखोगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी और इसकी जो विचारधारा थी ना कहीं एक तरह से अंग्रेजों के मन में ये था जब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करेंगे तो भारत के अंदर में जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही है ना वो थम जाएगा। इसका रीजन ये था ना कि भारत को एक मतलब एक पार्टी के अंदर में बांध देंगे कि लोग इसके अंदर में आएंगे और अपना, और जो भी स्थापना करने वाले लोग थे ना सारे अंग्रेज थे, उन्हीं के लोग थे, उनके मेंबर ही थे। ठीक है, तो एक तरीके से ये चीजें भी थी कि हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करेंगे और इसकी एक विचारधारा ये रखेंगे, मेन जो पार्टी के अंदर में लोग होंगे वो ये वाले होंगे और ये लोग इसको लीड करेंगे, इस तरह की विचारधारा अंग्रेजों के मन में थी। पर ये चीजें सफल नहीं हुई। धीरे धीरे क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो मानसिकता थी, जो विचारधारा थी, जो सोच था ना वो धीरे धीरे परिवर्तित होती चली गई और एक राष्ट्रवाद की विचारधारा पे वो चलने लगी। यहाँ पे पृष्ठभूमि के अंदर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है यहाँ पे क्रांतिकारी प्रवृत्तियों के जन्म लेने के लिए। क्रांतिकारी जो लोग थे वो दो जगह शक्तिशाली केंद्र के तौर पे विस्थापित हो चुके थे, एक तो महाराष्ट्र को केंद्र के तौर पे यूज किया गया और बंगाल को। ठीक है, महाराष्ट्र और बंगाल से क्रांतिकारी लोगों के द्वारा यहाँ पे पूरे भारत के अंदर में एक आक्रोश की जो जनभावना थी ना वो फूंका जा रहा था। किस तरीके से, तो अगर आप बंगाल को देखोगे ना तो आज के समय में जो वेस्ट बंगाल है ना सिर्फ उतना बड़ा नहीं था। ठीक है, बंगाल मतलब क्या, पूरा उत्तर प्रदेश उसके अंदर में आ जाता था, पूरा बिहार उसके अंदर में आ जाता था। ठीक है, और उस साथ साथ में जो बांग्लादेश है ना वो भी उसके अंदर में आ जाता था। ये जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया जाता है ना, बंग भंग किया जाता है, तो उसके बाद इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं और कई सारे भागों में बांट दिया जाता है। नहीं तो जो बंगाल था ना वो अखंड भारत एक तरह से बहुत बड़ा क्षेत्र था जिसके अंदर में पूरा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश का हिस्सा और बांग्लादेश का हिस्सा, वो सारा कुछ आता था। आज बांग्लादेश एक देश है और उस बांग्लादेश जितना बड़ा देश है ना उतना उससे ज्यादा बड़ा तो पूरा बंगाल था हमारा उस टाइम पे जब अंग्रेज के हम गुलाम थे। ठीक है, तो अंग्रेजों की चाल थी जिसके कारण से हम फंस के रह गए और इस तरह चीजें हमें देखने के लिए आज के समय मिलती है। तो महाराष्ट्र और बंगाल से सबसे ज्यादा क्रांतिकारियों की विचारधारा हमें देखने को मिलती है और एक तरह से प्रमुख सेंटर के तौर पर इन दोनों जगहों का उपयोग किया गया। जैसे आप देखोगे बंगाल महाराष्ट्र के अंदर में तो बाल गंगाधर तिलक और सावरकर यहाँ पे थे खड़े और इनके नेतृत्व में महाराष्ट्र के अंदर में क्रांतिकारी विचारधारा पनप रही थी और लोगों के अंदर में तो उसको विकसित किया जा रहा था। और वहीं पे अगर आप बंगाल की बात करो तो बकीम चंद्र हो गए, अरविंद घोष हो गए और विवेकानंद हो गए, इनकी जो बातें थी, इनकी जो चीजें थी, इनकी विचारधारा थी वो कहीं ना कहीं बंगाल के अंदर में अलख जगा रही थी कि किस तरह से हम क्रांति कर सकते हैं, भारत की आजादी के लिए हम कैसे लड़ सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे लोगों के अंदर में अलख जगाने का काम कर रही थी। यहाँ पे अगर आगे हम बात करें तो परमधनाथ मिश्रा के द्वारा यहाँ पे 24 मार्च 1902 को अनुशीलन समिति का स्थापना किया जाता है और अनुशीलन समिति का भी मेन उद्देश्य क्या रहता है कि हमें भैया भारत की आजादी चाहिए, किस तरीके से हम ये जो क्रांतिकारी विचारधारा लोगों तक पहुंचा सके, ये मेन उनका मोटिव रहता है। 1905 के अंदर में बंगाल का विभाजन किया गया अंग्रेजों के द्वारा में और अंग्रेजों की नीति क्या थी कि भैया जैसे ही हम बंगाल का विभाजन करेंगे, महाराष्ट्र का विभाजन करेंगे, मतलब क्या जो लोग है ना जो बंगाल के अंदर में जहां से सबसे ज्यादा क्रांति चल रही है, जहां से क्रांति को लीड किया जा रहा है, वो टूट जाएंगे, टुकड़ों में बट जाएंगे। जैसे ही टुकड़ों में बटेंगे ना तो कौन कहाँ गया, कौन इधर गया, कौन उधर गया, पता नहीं चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो नीति थी ना 1905 के अंदर में बंगाल विभाजन के साथ साथ में फूट डालो शासन करो की नीति भी डाल दी गई, वो अपनाई गई। फूट डालो शासन करो की नीति क्या थी कि यहाँ पे देखा गया ना क्रांतिकारी मूवमेंट का कोई भी चीज अकेले नहीं जीत सकते, ये क्रांतिकारी को समझ में आ चुका था। ऐसा वो सोच के चले कि सिर्फ ब्राह्मण ब्राह्मण देश को जात करवा देंगे या सिर्फ राजपूत राजपूत देश को जात कर देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। उनको जातिवाद से ऊपर उठकर सबको भारतीय होने के नजर से देखना पड़ेगा कि भैया कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई राजपूत नहीं है, कोई चमार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सब जातिवाद को छोड़कर वहां पे जब वो देखेंगे कि ये भी भारतीय है, मैं भी भारतीय हूँ, बाकी लोग भी भारतीय हैं, जब इस सोच से देखेंगे ना तब वो एकता दिखेगी,
साथ में भारतीय होने के साथ साथ में उनको ये भी देखना था कि कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं है। अगर वो इस संदर्भ में देखेंगे तब उनके अंदर में एकता आ पाएगी, और एकता आ पाएगी तभी हम अंग्रेजों का मुकाबला कर पाएंगे। अगर हम में फूट रहेगी ना कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है, वो राजपूत है, वो ब्राह्मण है, तो कभी भी एकता के साथ हम लड़ ही नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे एकता कपूर की बात नहीं कर रहे, मतलब अपने यूनिटी के साथ हम नहीं लड़ सकते। ठीक है, तो इस तरह की चीजें थी जिसके कारण से अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई जिसको कहते हैं फूट डालो शासन करो। उन्होंने क्या किया, भारत के अंदर में जो हिंदू मुसलमान थे उनको आपस में लड़वा दिया कि भैया जो हिंदू है ना वो जैसे ही देश ले लेगा तो तुझे मार के भगा देगा यहाँ से, तेरा तो अधिकार खंडन होगा। मुस्लिम को बोल दिया इसी तरीके से। तो यहाँ पे एक अलग चीज शुरू हो गई, और इसके साथ में यहाँ पे एक नया पार्टी का भी उदय देखा जाता है। नया पार्टी का नाम क्या है, तो मुस्लिम लीग के नाम से वो नया पार्टी जाना जाता है, जो मुस्लिमों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगा। ठीक है, यहाँ पे अंग्रेजों का माइंडसेट ये था कि हम अगर दोनों को लड़वा देंगे ना, हिंदू मुस्लिम को, तो अब हिंदू के मन में आ जाएगा भैया ये तो मेरे लिए काम नहीं कर रहा, मैं मुस्लिम के लिए क्यों करें। तो मुस्लिमों के मन में डाल दिया कि अगर तुम्हें अपना आवाज उठाना है ना तुम्हें खुद का करना पड़ेगा। ठीक है, वो लोग देखो अपना अपना कर रहे हैं, उसमें सारे यही लोग हैं, तुम्हारे तो कम है। और आज भी भारत के अंदर में यही होता है, फूट डालो शासन करो की नीति के तहत हम राज करते हैं। ठीक है, तो ये नीति अंग्रेजों ने अपनाई। क्रांतिकारियों द्वारा, जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारियों द्वारा विदेश में विदेशी के विरुद्ध स्वदेशी का नारा लाया गया। जो भी विदेशी चीजें है ना उसको त्यागने की बात की कि विदेशी के विरुद्ध स्वदेशी, विदेशी के विरुद्ध स्वदेशी, ऐसा करके नारा लाया गया कि जहां जहां पे विदेशी चीजें है ना उसकी जगह पे स्वदेशी को लेकर आओ। तो जो भी कपड़े थे जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया जाता था, ठीक है, जो भी कपड़े और अलग अलग तरह के चीजें प्रोडक्ट थे, उसकी जगह पे सेम इंडियन प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, भारतीय प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया और भारतीय बाजारों में उतारा गया। उपनिवेशिक अधिकारियों की हत्या करने की योजना बनाई गई, अलग अलग तरीके से हत्या किया गया। मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम का प्रयोग किया, और जिसके बाद वो बम ब्लास्ट करके मारने की कोशिश की गई औपनिवेशिक अधिकारियों को। तिलक ने इसको भारतीय राजनीति के दृष्टिकोण में परिवर्तन माना। खुदीराम बोस के ऊपर में, प्रफुल्ल चाकी के ऊपर मैंने एक बायोग्राफी बना रखा है, आपको नव इन्फो पे मिलने वाला है। अगर अभी आपने नहीं देख रखा है तो जरूर देखें, आपको उस वीडियो को देखने के बाद समझ में आएगा कि बहुत सारे अनसीन हीरोज थे हमारे भारत की आजादी के अंदर में, भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसके अंदर में, स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के अंदर में, पर हम कुछ नाम के पीछे में, कुछ गिने चुने चेहरों के पीछे में दबके रह गए कि यही लोग थे जिन्होंने हमारे भारत देश को आजाद कराया। आज के समय में भी कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सिर्फ दो चार नामों के लिए ही देखते हैं कि इनका नाम है। आप देखोगे तो कहीं भी किसी भी रोड का नाम खुदीराम बोस के नाम पर नहीं होगा, प्रफुल्ल चाकी के नाम पर मैंने नहीं देखा दिल्ली के अंदर में, बाकी जगह हो तो मुझे पता नहीं। ठीक है, या कहीं और मैंने सुना नहीं है कि उन क्रांतिकारियों के नाम पर कुछ ऐसा रखा गया हो, किसी कॉलेज का नाम रखा गया हो, किसी इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया हो, पर कुछ गिने चुने लोगों के नाम पर पूरा भारत ही है। ठीक है, एक तरीके से तो इनका भी योगदान एक बहुत बड़ा योगदान था। और इनका जब बम ब्लास्ट किया गया ना उसके बाद तिलक जो थे उनका मानना था कि भारतीय राजनीति के अंदर और दृष्टिकोण जो है ना, भारतीय राजनीति का दृष्टिकोण उसके अंदर में परिवर्तन आ गया। इससे पहले तक जो लोग थे ना वो उनका माइंडसेट क्या था कि हम लड़ेंगे, हम अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करेंगे भैया दे दो, भीख दे दो, ये कर लो वो कर लो, ऐसा था। तो उस तरह की भावना नहीं थी लोगों के अंदर में कि हम आक्रोश कर जाएंगे, मर जाएंगे देश के लिए, मार देंगे, इस तरह की भावना नहीं थी। देश के प्रति जो राष्ट्रवाद की भावना होती ना अपने चरम पर कि कुछ भी कर जाएंगे, उस तरह की भावना नहीं देखी जा रही थी। पर यहाँ पर इसके बाद तिलक ने माना कि जो दृष्टिकोण ना उसके अंदर में परिवर्तन आया। 1908 में बनारस में सचिनानंद सन्याल ने अनुशीलन समिति की स्थापना करी। ठीक है, 1908 के अंदर में बनारस के अंदर में सचिदानंद सन्याल ने अनुशीलन समिति की स्थापना करी। अब यहाँ पे देखोगे तो दो चीजें देखने के लिए मिलेंगी। एक जो अनुशीलन समिति है ना वो 1908 में स्थापित किया गया, और ऊपर में मैंने एक बताया था 1902 के अंदर में। ठीक है, यहाँ पे अनुशीलन समिति 1902 के अंदर में, तो दो अलग अलग तरह की समिति का स्थापना किया गया, एक 1902 के अंदर में और एक 1908 के अंदर में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, यहाँ पे दो अलग अलग तरह की समितियों की स्थापना की गई, पर दोनों का नाम यहाँ पे अनुशीलन समिति था। एक का जो संस्थापक थे सचिंद्रानंद सन्याल थे, ठीक है, और दूसरे का यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे प्रमानाथ मिश्र थे जिन्होंने स्थापना करी थी। ठीक है, समझ में आता है। आगे हम बात करें तो यहाँ पे रास बिहारी बोस ने दिल्ली में एक ग्रुप को पुनः सक्रिय किया जिसको लिबर्टी नामक पत्रिका निकाली जिसने, और इस ग्रुप के द्वारा बम बनाए जाने की विधि सिखाई जाती थी कि किस तरीके से हम बम बना सकते हैं। और ये जो ग्रुप एक्टिव किया था जिन्होंने, उनका नाम था रास बिहारी बोस। 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हास्टिंग के द्वारा हास्टिंग को मारने की कोशिश की गई थी। रास बिहारी बोस और उसके साथियों को विद्रोह करने की नई योजना बनाई कि किस तरीके से हम विद्रोह कर सकते हैं, जिसका भेद खुल गया था कि जो भी इनका प्लान था ना वो खुल गया था, सामने आ चुका था
इसके बाद क्या हुआ कि जितने भी क्रांतिकारी थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया, और जो बॉस थे लाल बिहारी बॉस वो भागकर जापान चले गए थे। ब्रिटिश दमन नीति से क्रांतिकारी निराश हो गए, ठीक है, जैसे ब्रिटिश ने अब यहाँ पे देखने लगा कि हमारे खिलाफ भाई ये तो बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, बहुत ज्यादा चीजें कर रहे हैं, तो जो दमन नीति ब्रिटिश ने अपनाई, लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया, उनको सजा देना शुरू कर दिया, गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, तो ये सारी चीजें होने लगी, जिसके बाद क्या हुआ कि जो क्रांतिकारी थे ना वो निराश होते चले गए। गिरफ्तारी से बचे जो नेता थे वो अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को आदि स्थान पे चले गए, अलग अलग जगह पे, कोई जापान, कोई इटली, कोई फ्रांस, ऐसे ऐसे जगह पे भागने लगा। यहाँ पे हरदयाल की बात करोगे, हरदयाल के बारे में बात करें तो उन्होंने गदर नामक अखबार निकाला, इसे आगे चलकर गदर पार्टी के नाम से बनाई गई, इसको गदर पार्टी, इसी अखबार के नाम पर गदर पार्टी बनी। और गदर पार्टी का एक मोटिव था कि पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करना, पूरे भारत के अंदर में एक पंचायती राज व्यवस्था स्थापित हो, इनका ये मोटिव था। और जो गदर नामक जो अखबार निकाला गया था वो हरदयाल जी के द्वारा यहाँ पे निकाला गया था, ठीक है। आगे हम बात करें कि नई क्रांतिकारी चेतना का आरंभ। अब देखो इस समय तक जो चेतना थी ना, मतलब जो भारत के लोगों के अंदर में थी, उनकी सोच प्रवृत्ति के अंदर में चेंजेस आ चुका था, कि जो प्रवाह है ना सोचने की, किस तरीके से सोचा जा रहा है, क्या आदत है सोचने का, उसके अंदर में चेंजेस आया। तो यहाँ पे हम उसको कहते हैं नई क्रांतिकारी चेतना, कि एक तरीके से बदलाव उनके सोच में। क्या बदलाव था? तो ब्रिटिश सरकार जो थी, भारतीयों के साथ में दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा ये कहती थी, उनके लिए कल्याणकारी के लिए कार्य किया जाएगा। जब ये सब सारी चीजें हो रही थी ना, जहाँ पे ब्रिटिश जो भी क्रांतिकारी लोग थे वो हमला करने लगे, बम फोड़ने लगे, अलग अलग तरह की क्रांतिकारी गतिविधियां करने लगे, तो ब्रिटिश सरकार हल्के से झुक गई, और झुकने के बाद ये बोलती है कि जो भी भारतीय लोग हैं ना उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, कल्याणकारी योजनाएं निकाली जाएंगी, कल्याणकारी के लिए कार्य किया जाएगा, इस तरह की चीजें ब्रिटिश सरकार के द्वारा कहा गया। पर अगस्त 1917 को मॉन्टिंग घोषणा लाया गया, जिससे लोग संतुष्ट नहीं थे, एक तरह से कह सकते हो इसको सीमित सीमित मतलब ना वो था कि भाई जो सीमित होते हैं कि मतलब आपने कुछ डिमांड करी, ठीक है, सीमित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया, मतलब एक मन रखने के लिए भैया चल ठीक है तू कर ले, ठीक है। तो इस सीमित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मॉन्टिंग की घोषणा लाया गया 1917 के अंदर में। जैसे लोगों ने जब ये सब करने लगे ना, तो अंग्रेजों ने बोला ठीक है हम आपके लिए कुछ करते हैं, आपके लिए हम जो भी चीजें हैं ना रिफॉर्म करेंगे, अलग अलग तरह के कानून बनाएंगे, आपको मतलब फायदा पहुंचेगा किसी तरीके से, ठीक है। तो उन्होंने ये घोषणा करी जिसके अंदर में कुछ वर्ग तक मिला, और एक सीमित मतलब वो था उद्देश्य इसका कि इस तरीके से रहे, लोगों को बस खुश किया जा सके, लॉलीपॉप दे दो जिससे लोगों का यहाँ से ध्यान भटक जाए, ये चीजें था। पर यहाँ पे इसका उल्टा हुआ, लोग इससे संतुष्ट नहीं हुए, जिसके बाद यहाँ पे आगे चल के और आंदोलन के अंदर में तेजी देखी जाती है। इसके बाद यहाँ पे क्या किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, रॉलेट अधिनियम को ला दिया जाता है, रॉलेट एक्ट को पास कर दिया जाता है, जिसके बाद जो भारतीय लोग थे वो आग बबूला हो गए और आंदोलन शुरू कर दिया, और आंदोलन तेजी से इन्होंने विस्तार किया। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के अंदर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, और ये रॉलेट एक्ट का ही इम्पैक्ट था जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसके बाद क्या होता है कि जो राष्ट्रवाद की भावना होती है ना और तेजी से फैल जाती है। इसका तेजी से फैलने के पीछे एक रीजन और भी होता है कि जैसे जलियांवाला बाग रॉलेट एक्ट के अंदर में क्या था कि लोगों को गिरफ्तार करना, जो भी लोग थे जिनके ऊपर में भी शक जाता था, डाउट होता था कि क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त है, तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता था, ठीक है, बिना कोई कार्रवाई किए, बिना कोई केस चलाए, ऐसा चीज किया जा सकता था। तो लोगों ने उसके विरोध के लिए भाई जलियांवाला बाग के अंदर में इकट्ठा हुए, और वहां पे जनरल डायर ने क्या किया, जो रास्ता था वहां पे खड़े होकर अंधाधुंध फायरिंग करवा दी, बहुत सारे लोगों की जान गई, ठीक है, मर गए लोग ऐसे तड़प तड़प कर। उसके इम्पैक्ट में क्या हुआ कि अब पूरे देश भर के अंदर में ना आक्रोश फैल गया कि भैया तुमने निर्दोष लोगों को क्यों मार दिया, छोटे छोटे बच्चों को क्यों मार दिया। अब चलो आक्रोश तक तो ठीक था, जो अंग्रेजी सरकार थी, वो अंग्रेजी संसद के अंदर में जो उनका जो संसद था उसके अंदर में ना जो पूरा उसकी तारीफ की गई कि जो कदम उठाया गया जनरल डायर के द्वारा वो सही कदम था, उसको अप्रिशिएट किया गया, जिसके बाद लोगों के अंदर में और ज्यादा आक्रोश था। एक कमेटी भी बनाई गई, इस कमेटी के थ्रू भी ये कहा गया कि भैया ये जो जनरल डायर का तो वो चीजें थी वो बिल्कुल सही थी। हंटर आयोग आया, हंटर आयोग ने भी यही बोला कि जो चीजें की गई वो सही थी, जिसके बाद लोगों के अंदर में जो राष्ट्रवाद की भावना थी ना और जो गुस्सा था वो चीजें थी ना गुस्सा, वो बहुत ज्यादा फैल गई और बहुत तेजी से विकसित हुआ, ठीक है। भारत के अंदर में जो संवेदनाएं थी राष्ट्रवाद के प्रति वो बहुत तेजी से विकसित हुई। यहाँ पे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन का शुरुआत किया, ठीक है, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया, यहाँ पे बहिष्कार आंदोलन का शुरुआत किया, और इसका शुरुआत तो अच्छा था, आगे धीरे धीरे विकसित भी हुआ। पर यहीं पर चोरा चोरी की घटना हो जाती है, चोरा चोरी घटना के बाद में गांधी जी आंदोलन को स्थगित कर देते हैं, और स्थगित करने के बाद क्या हुआ, लोगों के अंदर में कहीं ना कहीं निराशा छा जाती है,
और इस निराशा के कारण से क्या होता है कि क्रांतिकारी जो होते हैं ना वो हिंसक मार्ग पे आ जाते हैं और हिंसा को अपनाने लगते हैं। जगह जगह पे आगजनी, मारपीट, ठीक है, बम बारूद से उड़ा देना, ये सारी चीजें देखा जाता है यहाँ पे, ये सारी चीजें यहाँ पे देखी जाती है। ठीक है, समझ में आता है। यहाँ पर हम आगे बात करें, ये जो सेगमेंट था ना, ये नॉर्मली सेगमेंट सभी स्टूडेंट्स को पता होता है। अब आगे का जो सेगमेंट है उस थोड़ा सा आपको अलग दिखेगा, जो मुझे कई बार मैंने फर्स्ट टाइम ही मैंने देखा कि इस तरह से चीजें दी गई हैं। बाकी मैंने किसी भी बुक में आज से पहले जो भी बुक्स पढ़ी है उसमें इतना डिटेल में चीजें नहीं दे रखी थी। अब आगे हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट है सारी, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तब आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, रिक्वेस्ट यहाँ पे बार दोबारा से मैं आप सभी स्टूडेंट से ही करूंगा, अगर अभी तक हमारे द इनअप परिवार को फॉलो नहीं कर रखा है तो जरूर फॉलो करें, हमारे दोनों चैनल को फॉलो करें। द इनअप के ऊपर मैं आपको एमए हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस और आपके रिक्वेस्ट पे किसी और तरह का वीडियो चाहिए, कोई और सब्जेक्ट की पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो वो हम लेकर आ जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नब इन्फो पे इग्नू से रिलेटेड जरूर वीडियो, सारी वीडियो आपको मिलने वाली है, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो मिलने वाली है। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे दैनिक परिवार का हिस्सा बने। और जो हमारा गोल है 1 लाख सब्सक्राइबर का, उसके लिए आप भी हमारी थोड़ी सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और अच्छे से हम अपने गोल को अचीव कर पाए, जल्दी अचीव कर पाए। आगे हम बात करें तो यहाँ पे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जन्म होता है। ठीक है, HRA का जन्म होता है। अब HRA है क्या? यहाँ पे गांधीवादी जो विचारधारा था ना भैया, कि हम बिना लड़े अहिंसा के मार्ग पे स्वतंत्रता हासिल कर लेंगे, इस तरह की विचारधारा थी। जब जैसे ही गांधी जी ने जो यहाँ पे आंदोलन स्टार्ट किया था, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो गांधी जी ने आंदोलन स्टार्ट किया, असहयोग आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन स्टार्ट किया, उसको स्थगित कर दिया चोरा चोरी कांड के बाद। ठीक है, तो उसके बाद लोगों के अंदर में जो विचारधारा थी ना गांधी जी के प्रति, कि गांधी जी के ही मार्ग पर रहकर, अहिंसा के मार्ग पर रहकर, बिना हाथ उठाए बिना लड़े हमें देश आजाद करवा लेंगे, तो उसके प्रति निराशा आ जाती है लोगों के अंदर में, कहीं ना कहीं निराश की भावना बहुत तेजी से फैल जाती है। और माइंडसेट ये बन जाता है कि जो बोल्शेविक क्रांति हुई और उससे लोग प्रभावित हो जाते हैं, बोल्शेविक क्रांति समाजवादी जो विचारधारा था उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, और उनका ये हो जाता है कि अगर हम भी इस तरीके से करेंगे ना तो हमारे देश में भी क्रांति हो सकती है। इसका रीजन क्या था? अब ये बोल्शेविक क्रांति है क्या, आपको ये भी समझना पड़ेगा। बोल्शेविक क्रांति 1917 की क्रांति को हम बोलते हैं। 1917 की क्रांति कौन सी भैया? तो 1917 अक्टूबर की क्रांति को बोलते हैं। अक्टूबर की क्रांति कौन सी है? तो भैया रूस की क्रांति को, रशिया की क्रांति को हम यहाँ पे बोल्शेविक क्रांति के नाम से, 1917 की क्रांति के नाम से, अक्टूबर की क्रांति के नाम, और भी कई सारे नाम है उनके नामों से जानते हैं। अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो द इनअप के ऊपर में डिटेल में वीडियो मैंने बना रखी है रसिन क्रांति के ऊपर में, उसके कारण इंपैक्ट के बारे में, तो आप उसको देख सकते हो, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपको समझ में आएगा। और किस प्रकार से समाजवाद जो विचारधारा है ना, समाजवादी, सामंतवाद, समाजवादी, सामंतवाद अलग हो गया, समाजवादी विचारधारा, उसको समझ में आएगा आपको कि किस तरह से उसका जन्म हुआ, ये आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो जो भारतीय लोग थे ना वो गांधीवादी विचारधारा से निराश हो चुके थे, उसके बाद में वो बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई, जिसके बाद ना भारत के अंदर में भी उसका इम्पैक्ट था, वो लोग उससे प्रभावकारी हुए, प्रभाव उनको मतलब प्रभाव उसके पड़ रहा था लोगों के ऊपर में, और उससे प्रभावित होकर लोगों ने यहाँ पर क्रांतिकारी समाजवाद की ओर अग्रसर हो गए कि अगर हम इस राह पर चलेंगे, इस रास्ते पर चलेंगे तो शायद हमारा देश भी आजाद हो जाएगा, इन लोगों का ये मानना था। इसका समर्थन युवा और वृद्ध दोनों क्रांतिकारियों ने किया। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के जो श्रमिक संगठन थे, कई सारे श्रमिक संगठनों का उदय हुआ, क्योंकि श्रमिक संगठनों का उदय क्यों था, कि जो बोल्शेविक क्रांति थी 1917 की क्रांति, वो पूरी तरह से मजदूर और किसानों की क्रांति थी। ठीक है, उसके अंदर में सिर्फ मजदूर और किसान थे। ठीक है, और मजदूर और किसानों की क्रांति थी, जिसके कारण से यहाँ पे भारत के अंदर में कई सारे श्रमिक संगठनों का उदय देखा जा रहा है प्रथम विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि ये इससे कहीं ना कहीं प्रभावित थे। इसके कारण से उन्होंने समाजवाद को राष्ट्रवादी क्रांति के उपयोग के लिए समझा, जो समाजवाद की विचारधारा है ना वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी क्रांति के लिए उपयोगी समझा, जिसके साथ ये चीजें आगे बढ़ती हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यूपी पंजाब में क्रांतिकारी 1924 में HRA की स्थापना की गई। अब जैसे देखो, लोग तो यहाँ पे इंप्रेस हो गए भैया कि ये जो इसकी विचारधारा ने कहीं ना कहीं इंपैक्टफुल है, श्रमिक संगठनों का उदय हो गया, ठीक है, यहाँ पे किसान और मजदूरों का आंदोलन होगा, इस तरीके से होगा, समाजवाद की विचारधारा से हम राष्ट्रवाद क्रांति फैला सकते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, ऐसा चीजें चलने लगी। तो यूपी और पंजाब के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने 1924 के अंदर में HRA का यहाँ पे स्थापना किया, जिसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से उसका नाम जाना गया, और इसकी स्थापना 1924 के अंदर में की गई, जिसके द्वारा क्या था, इसका मेन मोटिव क्या था, कि संघीय गणतंत्र की स्थापना की जाएगी। इसके उद्देश्य मेन क्या था, कि सार्वभौमिक मताधिकार और सामाजिक जो शोषण है उसको खत्म करना, इसका मेन मोटिव रखा गया।
आगे आप बात करोगे कि एचआरए की विचारधारा और कार्यक्रम क्या थे, किस किस तरह के कार्य किए गए, तो जो ये संस्था था निस्वार्थ देशभक्ति, ठीक है, अस्पष्ट समाजवाद और अंतरराष्ट्रीयवाद को अनुसरण करती थी, जो भी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे थे तो उसको अपनाती थी। इसकी विचारधारा का उल्लेख रिवोल्यूशनरी पार्टी की घोषणा पत्र में मिलता है, ठीक है। ये क्रांतिकारी कुछ विशिष्ट उच्च सामाजिक आदर्शों के प्रतिबद्ध था। इसका अंतिम लक्ष्य विभिन्न देशों के हितों का आदर करना, विश्व सौहार्द लाना और विभिन्न देशों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना, इसका ये उद्देश्य रखा गया अंतिम और लक्ष्य के तौर पे देखा गया। इसके क्रांतिकारियों के अगर देखोगे तो पुराने क्रांतिकारियों के मार्ग का अनुसरण किया इन्होंने, जो भी पुराने क्रांतिकारी थे उसका अनुसरण, ऐसा नहीं था कि अपना अलग रास्ता बना लिया, उसी रास्ते पे चलकर आगे ये बात कर रहे थे। ये विदेशी औपनिवेशिक ताकतों को उखाड़ना चाहते थे, इसके लिए वो सशस्त्र संघर्ष करना चाहते थे, लड़ाई झगड़ा हो जैसे हथियार से यूज करना है उस तरीके से लड़कर ये उसको लेना चाहते थे। यहाँ पे कोराकोरी षड्यंत्र कांड होता है इसी मतलब संगठन के थ्रू। तो क्या होता है इसके अंदर में देखें तो एचआरए जो था इसके प्रमुख कार्य थे वो कोराकोरी ट्रेन डकैती के तौर पर जाना गया। ट्रेन डकैती की जाती है कोराकोरी के अंदर में, काकोरी जो कई बार ना कोराकोरी लगता है पढ़ने में, क्योंकि चोरा चोरी कोराकोरी, ये काकोरी षड्यंत्र होता है, काकोरी ट्रेन डकैती। काकोरी ट्रेन डकैती है क्या, तो जो एचआरए के समूह थे वो धन इकट्ठा करने के लिए, पैसे को इकट्ठा करने के लिए, जिससे देश के अंदर में क्रांतिकारी गतिविधि को और तेजी से बढ़ाया जा सके, इसके लिए वो डिसाइड करते हैं कि हम डकैती करेंगे, ट्रेन को लूटेंगे। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि राम प्रसाद बिस्मिल और अफसर उल्ला और चंद्रशेखर आदि जैसे लोग जो शामिल थे इसके अंदर में, उन्होंने लखनऊ के निकट काकोरी नामक स्थान के ऊपर में एक ट्रेन था जिसके अंदर सरकारी खजाना जा रहा था, उसको उन्होंने लूटने की कोशिश करी और आगे चल के गिरफ्तार, मतलब वो लूट लिया उन्होंने और आगे चल के इसको गिरफ्तार कर लिया गया और इसके ऊपर में कुछ मुकदमा चलाया गया और कुछ लोगों को इसमें से कुछ को फांसी दे दी गई अंग्रेजी सरकार के द्वारा। और इसी गतिविधि के साथ में जो एचआरए था उसका अंत हो जाता है, वो कमजोर पड़ जाता है, अंत तो नहीं होता, कमजोर पड़ जाता है और शक्तिहीन हो चुका होता है। इसके कारण से जो पुराने क्रांतिकारी थे वो जेल में थे और या बचने के लिए भूमिगत हो चुके थे, सरेंडर कर चुके थे, कुछ जेल में थे, कुछ अंडरग्राउंड हो चुके थे, जिससे यहाँ जो ये जो संस्था थी वो एक तरह से डाउन पड़ चुका था, एकदम खत्म हो चुका था। ऐसे क्रांतिकारियों ने एक नया संगठन बनाने का निश्चय किया कि हम भी एक नया संगठन बनाएंगे। उन्होंने 9 सितंबर 1928 को फिरोजशाह कोटला का भैया दिल्ली में, जहाँ पे अभी हमारा मैच होने वाला है कुछ टाइम बाद, ठीक है, फिरोजशाह कोटला दिल्ली में बैठक के दौरान क्रांतिकारी कार्यक्रम में सभी सहमत हुए। उन्होंने एच आर ए का नाम बदलकर एच एस आर ए रखने का निर्णय लिया। अब एच एस आर क्या है, एच एस आर ए का मतलब क्या है, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब जैसे कि आपको मैंने बताया आपको कि ये सब लोग जो थे बोल्सेविक क्रांति से बहुत ज्यादा इंप्रेस थे। बोल्सेविक क्रांति के अंदर में क्या हुआ कि समाजवाद की विचारधारा को इंट्रोड्यूस किया गया, सोशलिस्ट विचारधारा को इंट्रोड्यूस किया गया, तो इन्होंने अपने जो संस्था का नाम था उसके अंदर में यहाँ पे सोशलिस्ट वर्ड को ऐड कर दिया गया और एक नए रूप के साथ में इंट्रोड्यूस हुए। अब इसके अंदर में क्या हुआ, ये क्रांतिकारी समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, सेम विचारधारा था इनका, इसमें कुछ अलग नहीं था। और इनकी विचारधारा ये थी कि राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ ना हमें आर्थिक स्वतंत्रता की भी जरूरत है, ऐसा नहीं कि हमें राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिले पर आर्थिक स्वतंत्रता ना मिले, इसकी बात भी इनके द्वारा की गई। आगे हम बात करें तो साइमन कमीशन और क्रांतिकारियों की बात की जाती है। जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां थी वो बढ़ती जा रही थी, ट्रेड यूनियन का विस्तार हो रहा था, गर्म विचारधारा के जो मजदूर थे वो प्रेरणा बढ़ रही थी, मजदूरों के अंदर में भी एक गर्म विचारधारा चल रही थी, क्रांतिकारी विचारधारा चल रही थी। अब ये गर्म विचारधारा क्या है, तो भारत के अंदर में इस टाइम जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं 1928 के आसपास का, तो उस टाइम पीरियड के अंदर में भारत के अंदर में दो गुट में, दो धड़े में लोग बटे हुए थे। एक धड़ था जो गर्म विचारधारा रखता था, क्रांतिकारी विचारधारा रखता था कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, ठीक है, ऐसा वाला। और दूसरा जो धड़ था ना उसका विचारधारा था भैया नरम धड़ था, एकदम नरम, मार लो आओ, एक चपेट मारोगे मैं दूसरा गल आगे कर दूंगा, ठीक है, इस तरीके का उनकी विचारधारा थी। तो नरम दल और गर्म दल में भारत इस समय बटा हुआ था। जो नरम दल की विचारधारा थी ना वो मजदूरों तक भी पहुंची, मजदूरों के अंदर में प्रेरणा भरी थी कि हम देश के लिए खड़े होंगे। ऐसे वातावरण में 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो था वो बॉम्बे पहुंचा। इसमें जो सभी सदस्य थे वो अंग्रेज थे, कोई भी इसके अंदर भारतीय नहीं थे, जिसके कारण से इससे भारतीय जो लोग थे इसका बहिष्कार करना शुरू किया। बॉम्बे में चारों ओर इसका हड़ताल हुआ, जो साइमन कमीशन के मेन अधिकारी आ रखे थे जांच के लिए, तो उस समय बॉम्बे के अंदर में चारों तरफ हड़ताल किया गया। लोगों ने साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए। कई स्थानों पर पुलिस और जनता के बीच में मुठभेड़ हुई, ठीक है,
क्रांतिकारी ने अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या की योजना बनाई, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और आजाद जैसे क्रांतिकारी भी शामिल थे जिन्होंने अंग्रेजों की हत्या करने का निर्णय किया। असेंबली बॉम्ब ब्लास्ट, अब ये क्या भैया, असेंबली बॉम्ब ब्लास्ट, असेंबली बम धमाका, एच आर जो है ना आपका, एच एस आर ए, ठीक है, जो नया वाला संगठन था एच एस आर ए, इसका क्या किया गया कि इसके करे जो क्रांतिकारी थे वो पब्लिक सेफ्टी बिल एक लाया गया अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, और ये पारित होने वाला था असेंबली के अंदर में। तो जिसके बाद यहाँ पे बोला गया कि जो असेंबली के अंदर में जब ये पारित होने वाला होगा ना तब हम बम फेंक देंगे। इसके अंदर में भगत सिंह और बीबी दत्त जो थे, 8 अप्रैल 1929 को बम धमाका किया गया इनके द्वारा, जिससे उनके जो सदस्य थे अस्त व्यस्त होकर भागने लगे असेंबली के अंदर में, और दोनों जो बम थे किसी की हानि नहीं पहुंचाया, बिना फटे ही, परंतु मतलब फटे नहीं दोनों बम, जो फटे नहीं दोनों, पर दोनों क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया, ठीक है। भगत सिंह को यहाँ पे, अब लाहौर कांड की बात की जाए तो भगत सिंह को लाहौर ले जाया गया और उन पर जेपी सार्डर्स की हत्या के मुकाबले मुकदमा चलाया गया, और लोगों ने जमकर सरकार का विरोध किया भगत सिंह को गिरफ्तारी को लेकर, और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। आप सब इसके बारे में जानते हो, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई। चलो यहाँ पे मैं क्वेश्चन ऑफ द वीडियो लास्ट में पूछना चाहूंगा आप सभी व्यूवर से, जितने भी हमारे दैनिक परिवार के फैमिली मेंबर है, कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई, किस डेट को दी गई, आप बताइए, और उस दिन को हम कौन से डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। आप जितने व्यूवर से बताइए कमेंट करके, देखते कितने लोगों को पता है किस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और कौन सा डेट था, इसको हमें बताइए। अब यहाँ पे हम बात करें लास्ट पॉइंट पे, तो चिटगांग शस्त्रागार छापा के रूप में देखते हैं, यहाँ पे बंगाल के सूरत शहर में 1930 के अंदर में चिटगांग शस्त्रागार के अंदर में छापा की योजना बनाई गई, जिसमें सूरत शहर और उसके साथियों को टेलीग्राम ऑफिस और टेलीग्राम जो फोन एक्सचेंज होता है उसके अंदर में उन्होंने कब्जा कर लिया, और कोलकाता ढाका से जुड़ने वाली जो भी संचार लाइन थी उसको काट दिया उन्होंने, परंतु धीरे धीरे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और सूर्य सेन की मौत की सजा सुनाई गई इसके बाद में, और बाकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ये क्रांतिकारियों के द्वारा एक घटना की गई थी कि जो भी शस्त्रागार है उस पर हम छापा डालते हैं और इसके द्वारा क्या करेंगे, टेलीफोन एक्सचेंज इसको तोड़ देंगे, कनेक्शन टूट जाएगा इन लोगों का, इस तरह की चीजें यहाँ पे कोशिश की गई थी क्रांतिकारियों के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा जो वीडियो है ये एंड होता है, और इसका ये पार्ट वन था, इसका पार्ट टू भी हम जल्दी लेकर आते हैं, ठीक है। पार्ट टू के अंदर में हमें पढ़ना है कि एक प्रॉपर टाइम पीरियड के अंदर में 1920 से लेकर 1930 के बीच में कौन कौन सी घटना हुई, किस तरह से हुई, और ये क्वेश्चन भी अगर कई बार एग्जाम में बनकर आता है कि 1920 1930 की जो घटनाएं थी उसको बताइए, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर में कवर करने वाले हैं। हमारा ये पार्ट वन ही रहने वाला है, उसको हम अलग तरीके से लेकर आएंगे। ऐसे मेनली मैं बात करूं तो लेसन नंबर 13 के अंदर में इतना ही आपके बुक में दिया हुआ है, वो जो क्वेश्चन है ना वो पूरे बुक में से एक समराइज करके बनता है कि एंड ऑफ द रिजल्ट क्या है, तो उस तरीके से आप उस क्वेश्चन को देख सकते हो। तो अलग से मैं उसको एक अलग वीडियो के अंदर में, सेपरेट वीडियो के अंदर में पढ़ा दूंगा, ठीक है, अलग से वीडियो बना दूंगा जहां पे आप उसको देख सकते हो। यहाँ पे मैं वीडियो एंड करूंगा, बट लास्ट ऑफ द वीडियो में यही रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी व्यूअर्स से कि अगर अभी तक आप हमारे दैनिक परिवार के फैमिली मेंबर नहीं बने हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने आसपास अपने घर परिवार के जो भी मेंबर हैं उनको भी हमारे दैनिक परिवार से जोड़िए, ठीक है। आपके सब्सक्राइब का अगर आप देखोगे लिस्ट में तो बहुत सारे आपके मनोरंजन की चीजें आपने सब्सक्राइब कर रखी होंगी, कुछ नॉलेज की चीजें भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारी वीडियो आपको वैल्यूबल लगती है तो उसको अप्रिसिएट कीजिए, ठीक है, और हमारी वीडियो को आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। काफी समय से अगर आप हमारे दैनिक की वीडियोस को देखोगे तो उस तरह से रिस्पांस नहीं मिल रहा जिस तरीके से हम चाहते हैं कि हमें रिस्पांस मिले, ठीक है, जिस तरह से हमारे वीडियोस पे रिएक्शन आए उस तरह की चीजें हमें नहीं मिल रही है। कई बार जब इस तरह की चीजें हम फेस करते हैं तो हमें कई बार डिमोटिवेशन होता है कि यार क्या वीडियो बनाना, क्या इतना मेहनत करना, किसके लिए वीडियो बनाना, ये चीजें आ जाती हैं। तो आप सब हमारे फैमिली मेंबर हैं और फैमिली मेंबर के साथ में ये चीज़ें हम साझा कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी व्यूवर्स हैं, अगर हमारी वीडियो वैल्यूबल लगती है तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें। दैनिक पर एमएससी से रिलेटेड और बाकी चीज़ों से रिलेटेड वीडियोज मिलने वाली हैं, और आपके एग्जाम, कॉलेज, असाइनमेंट से रिलेटेड जो भी अपडेट आपको नव इन्फो मिलने वाला है तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और अगर आपको नोट्स चाहिए हिस्ट्री का तो डायरेक्ट आपको गूगल ब्लॉगर पर जाना है, जहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप इसके नोट्स ले सकते हैं। यहाँ पे मैं वीडियो एंड करूंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।